आज से हम एक नई चीज शुरू कर रहे हैं और वो है एक शब्द, उसका अर्थ, उसका सेंटेंस और सेंटेंस का भी अर्थ, उसके बाद उसी शब्द का सिनोनिम और उसी शब्द का एंटोनिम और दोनों पर सेंटेंस और सेंटेंस का अर्थ। ये आज से हम एक नई चीज शुरू कर रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूं एबंडन। एबंडन शब्द मैंने पहले लिया है, छोड़ देना, इसका अर्थ होता है छोड़ देना। ए बेबी वाज एबंडन बाय द पेरेंट्स, माँ बाप के द्वारा एक बच्चे का त्याग कर दिया गया, यानी बच्चे को छोड़ दिया गया। ए बेबी वाज एबंडन बाय द पेरेंट्स, पेरेंट्स माने माता पिता, एबंडन माने छोड़ दिया गया, एक बच्चे को माता पिता के द्वारा त्याग कर दिया गया। इसका सिनोनिम है लीव। लीव का अर्थ भी छोड़ना ही होगा जब सिनोनिम है। तो सिनोनिम का अर्थ है समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाला शब्द। और एंटोनिम का अर्थ है विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो लीव, लीव माने छोड़ना, ये समानार्थी शब्द है। सिनोनिम, ही लेफ्ट हर एलोन, उसने उसको अकेला छोड़ दिया, उसने उसको अकेला छोड़ दिया। एंटोनिम हुआ इसका एडॉप्ट। एडॉप्ट का अर्थ है अपना लेना, विलोम शब्द है ये। एबंडन का, लीव का विलोम शब्द है ये। क्या है एडॉप्ट? एडॉप्ट माने उसका अर्थ है एबंडन का छोड़ देना, इसका अर्थ है अपना लेना। एडॉप्ट अपना लेना। मैनी ऑर्फन्स, ऑर्फन्स कहते हैं अनाथ लोगों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। मैनी ऑर्फन्स आर एडॉप्टेड, स्वीकार किए जाते हैं, अपनाए जाते हैं। बहुत सारे ऑर्फन्स अनाथ बच्चे अपनाए जाते हैं बाय द चाइल्डलेस कपल्स, संतान विहीन दंपतियों के द्वारा, पति पत्नी के द्वारा। चाइल्डलेस यानी जिन पे कोई बच्चा नहीं होता, कोई संतान नहीं होती, उन माँ बाप के द्वारा, ऐसे माँ बाप के द्वारा, ऐसे दंपतियों के द्वारा बच्चों को यानी ऑर्फन्स को, अनाथों को गोद लिया जाता है या अपनाया जाता है। मैनी ऑर्फन्स आर एडॉप्टेड बाई चाइल्डलेस कपल्स। मुझे लगता है कि आपको ये शब्द पसंद जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच।